नमस्कार। कांग्रेस और उसके लुटियन चाटुकार आज हुड़दंग कर रहे हैं कि कांग्रेस राज में सब्सिडी वाला रसोई गैस का सिलेंडर 414 रुपए का था, जो आजकल बहुत महंगा हो गया है और 884 रुपए का हो गया है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इस बारे में कई ट्वीट भी कर चुके हैं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस राज में सब्सिडी वाला रसोई गैस का सिलेंडर 414 रुपए का नहीं था। सितंबर 2012 से मार्च 2013 तक सब्सिडी वाला रसोई गैस का सिलेंडर 674 रुपए का था। उसके बाद क्योंकि चुनाव करीब आ रहे थे, इसलिए फरवरी 2014 तक सब्सिडी वाला रसोई गैस का सिलेंडर 549 रुपए का कर दिया गया था। चुनाव से 3 महीने पहले उसे और कम करके 414 रुपए का किया गया था। अब ये भी जान लीजिए कि जनता जब 2012 में 674 रुपए में और 2013 में 549 रुपए का सिलेंडर खरीद रही थी, उस समय देश में प्रति व्यक्ति आय 75,000 रुपए सालाना थी, यानी कि लगभग 6,250 रुपए पर मंथ थी। आज यह 88% बढ़कर लगभग 1,41,000 रुपए सालाना, मतलब कि 11,750 रुपए पर मंथ हो चुकी है। हालांकि वास्तविक संख्या इससे अधिक है, लेकिन कोरोना काल के कारण संख्या फिलहाल इतनी ही है। अब यदि कांग्रेस राज में रहे सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की प्राइस 674 को छोड़कर 549 रुपए में ही 88% वृद्धि जोड़ दी जाए, तो उसकी प्राइस हो जाएगी 1,032 रुपए, आज की तुलना में 148 रुपए अधिक। और यदि 674 में 88% की वृद्धि कर दी जाए, तो सब्सिडी वाला रसोई गैस का सिलेंडर 1,267 रुपए का हो जाएगा, यानी आज की तुलना में 383 रुपए अधिक। यही कारण है कि कुबुद्धिजीवी लुटियंस इसी चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं कि पेट्रोल और रसोई गैस के दाम में वृद्धि के बाद भी जनता मोदी के बजाय कांग्रेस और उसके साथी विपक्षी दलों से ही क्यों नाराज है। इन तथ्यों को समझने के बाद आप स्वयं भी तय करिए कि कांग्रेस राज की तुलना में सब्सिडी वाला रसोई गैस का सिलेंडर आज महंगा है या सस्ता है। अब कांग्रेसी चमचों की फौज को यह समझाता हूं कि कांग्रेस राज में सब्सिडी वाला रसोई गैस का सिलेंडर 414 के बजाय 674 और 549 रुपए का कैसे था। सितंबर 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की सीमा 6 सिलेंडर पर ईयर पर सीमित कर दी थी। इसका सीधा मतलब यह था कि मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्ग के उपभोक्ता को बिना सब्सिडी वाले कम से कम 6 सिलेंडर पर ईयर खरीदने पड़ रहे थे। यहां यह बताना जरूरी है कि सितंबर 2012 में सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर का प्राइस 417 रुपए था, तथा बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का प्राइस 931 रुपए 50 पैसे था, यानी कि एक साल में 6 सिलेंडरों पर कंज्यूमर को 3,087 रुपए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे थे। इस अंतर को यदि 12 महीनों में डिवाइड कर दिया जाए, तो कंज्यूमर को पर मंथ 257 रुपए 25 पैसे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे थे। अर्थात सब्सिडी वाला सिलेंडर उपयोग करने वाले उपभोक्ता को भी प्रति वर्ष, प्रति माह, प्रति एलपीजी सिलेंडर का मूल्य औसतन 417 प्लस 257.25 यानी कि 674 रुपए 25 पैसे प्रति सिलेंडर चुकाना पड़ रहा था। इस नियम के खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश होने पर तत्कालीन यूपीए सरकार ने मार्च 2013 से सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 सिलेंडर पर ईयर कर दी थी। अर्थात उपभोक्ता को तब बिना सब्सिडी वाले 3 एलपीजी सिलेंडर पर ईयर खरीदने पड़ रहे थे। आपको बता दूं कि उस समय मार्च 2013 में सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर का प्राइस 414 रुपए था, तथा बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का प्राइस 929 रुपए था। और 8 महीने बाद दिसंबर 2013 में 954 रुपए तथा 9 महीने बाद जनवरी 2014 में 1,258 रुपए था, जबकि सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर का प्राइस लगभग 414 रुपए ही रहा था। सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडरों के प्राइस में 1,258 और 929 को अनदेखा करके दोनों के बीच के 954 को ही मानक मान ले, तो उसके अनुसार पर मंथ कम से कम एक एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्ग के उपभोक्ता को
9 एलपीजी गैस सिलेंडरों की सीमा के बाद भी शेष 3 सिलेंडर खरीदने पर लगभग 1620 रुपए पर ईयर एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे थे। इस अंतर को यदि 12 महीनों में डिवाइड कर दिया जाए तो उपभोक्ता को पर मंथ 135 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने पड़ रहे थे, अर्थात सब्सिडी वाला सिलेंडर उपयोग करने वाले उपभोक्ता को भी पर ईयर पर मंथ प्रति एलपीजी सिलेंडर का औसत मूल्य 414 प्लस 135 यानी कि 549 रुपए प्रति सिलेंडर पड़ रहा था। अभी के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।